जनवरी सही है ना? हाँ जनवरी फरवरी मार्च सोमवार मंगलवार अक्टूबर एक मिनट नवंबर गुरुवार दिसंबर ये क्या है? ये पूरे साल भर में जितने महीने होते हैं साल भर के महीनों के नाम है। तो तुमने बीच में क्या डाले हो? कुछ नहीं डाले। वाह कितनी महंगी कार लिया बनवाया तूने। जाओ 10 रुपए की शैम्पू ला सकता है तू, बता क्या जिंदगी तेरी यार। लेकिन एक बात है, गाड़ी के सामने वाले सीट में बैठेगी तो फुंडो, नहीं तो सवा कोई नहीं बैठ सकता, किसी में दम नहीं है। तेरी कार में बैठा तू, सामने सीट पर बैठा कोई बैठा दिया मैं तब चपा बैठा हूँ। हाँ मेरे को सामने वाली सीट में मैं होना और मेरी फुंडो होना बस। अब लेकिन तू चलाते भी नहीं आती भाई, चलाना सीट अरे बनवा तू पहले भी आ एक करिए चलाएगा तेरी कार खराब कर देगा बाप। सुने अरे बाप मेरी थमिया, अबे अपने घर मेरी थमिया रेडी हो गई। चलेगा तू बनवा ली सुन बाप ज्ञान बताओगे मेरी कार ढूंढे यार। काका यहाँ भी धुलना काका यहाँ। अरे तू हमने काम कर तू यार। अरे कैसा धुल रहेगा, थोड़ा अच्छे से धुल ले सिखाया तेरे को क्या को? अरे मेरा मुंडा टनका बेटा उठा डंडा पड़ा बड़ा दे आखरा मेरा जल 10 रुपए देगा। हम कोचिंग जा रहे हैं समोसा खाएंगे। अरे तू मेरा काम किन पर बताओ तुम। अरे सब काम हो गया है, हमको जाना है, बात खत्म। 10 का दो और जान दो। बाबूजी पूरा काम निपटा दिया हमने, हमको जान दो। अरे करिया नाम मनवारी सेठ 16 एकड़ जमीन एक नैना खुद की है। अरे करिया अरे मगू क्या गो पहले पहले ये पानी और क्या नहाएगा क्या तू? अरे तो मेरी कार देख तो तू। अरे बाप रे आपने वो कार महंगी तो हुई है नहीं हुई 27 रुपए में ठीक है नहीं? अरे ठीक है गो गाड़ी मास्टर यार एक नंबर है। तू मेरे को कर सिखा दे भैया मेरी कार मेरी बात सुन, मेरे को जाना पड़ेगा, मेरी मीटिंग फिक्स हो रही है फुंडो के साथ में। हाँ। अरे मतलब हाँ? मेरी मीटिंग फिक्स हो रही है तो ऐसे छोटे काम से। हाँ, जान तू यार पैसे देने को तब जाएंगे। अरे ऐसे पैसे मेरे पास नहीं है। सुन तो मेरी बात को क्या है? कोचिंग जा रहे हैं हम और आते आते भूख लग जाती है तो समोसा खाएंगे हम। ना को भूख लग जाती है गो, घर में पेट में बाहर खा के जाओ तुम, मेरे को मतलब नहीं उससे। अरे तो आज से भूख लग जाती है ना वो। जिंदगी में समोसा नहीं खाया तुम कस खाने को मैं यार। मैंने अपनी लाइफ में मैंने जिंदगी में जो है मेरी सफल लाइफ बीत गई मेरी। सुन मैंने कभी खाया 5 रुपए दे दे बिस्किट खा लेंगे भाग तू यार। अरे चल रे सुन रे आधे घंटे में आओ तू कोचिंग। 3 घंटे कोचिंग रहती है हमारी। तेरी ऐसी स्टीयरिंग मैंने पढ़ा हूं सुन मेरी बात, आधे घंटे में ट्यूशन जाना पड़ गया। आधा घंटे के हिसाब से दिमाग है तेरे पास, 3 घंटे पड़ता तो थोड़ा और रहता ना गो। एक यार क्या मेरा गुस्सा कहीं अगर आ गया तो मेरे को फिर दिक्कत बन जाएगी मेरी बात। पता है ना गुस्सा आता है तो काका। अरे यार तेरी ऐसी तैसी करिया तू तो कम ही बोल बे। चल ठीक है जा रहे हैं। अरे काय पूछ रहा बे घर में इधर नीचे धुल ले काका। ये जाना है ड्राइवर ढोक दूं पर घर में 10 रुपए नहीं दे रहा है, घर में कुछ बोल रहा तो मेरे को मत कहना। चल भैया तेरी तेर में हिम्मत नहीं ना मगू पानी ला ऐसी तैसी इनकी सुन बहुत लेके घर में गोल करके बैठ तुम्हारे को गोल कर रहा हूँ। चल भी क्या चल चल देखा कितना बड़ा घर मैडम जी का। हाउ पी चल जल्दी चल जल्दी चलना जल्दी जाएंगे जल्दी आओ ना तो जल्दी से पति सुन 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 हाँ पकड़ पकड़ क्या कर रहे हैं अभी देख तो ये क्या है। हाँ वो मैडम तो बॉक्सिंग खेलती होगी भाई। अबे हो बे मारेगी तो बेजा मजबूत हाथ होंगे क्यों। हाओ और तू पैंट वैंट खराब मत करना बता दे रहा हूँ मारेगी तेरे को मारेगी मैं भी मार के देखता हूँ। ओह नो ओह दाई वो दाई वो दाई हाँ और जाना अबे लग गई बे चल ये पकड़। ओह अबे वो हमारे काट दो बार मार ले चप्पल उतारना वहाँ बेटा बस की कहीं का ये देख यहाँ से ऐसा दबाते हैं बड़े लोग के घर में ऐसा दबाओ उधर घंटी बजती तो आते हैं बाहर टिली लिली ये रखो चूतिया बनाएगा लाइट की बटन है वो तो फिर आवाज दे बुला मैडम जी। मैडम जी अबे इधर ये ना उधर कहाँ जा रहा बाथरूम है ना वो मैडम जी मैडम जी मैडम जी चल हटा नहीं पड़ती नहीं पागल है क्या मेरे को बड़े जल्दी पति देव बनना मैडम जी मैडम जी तुम चिल्ला ना चिल्ला चिल्ला मैडम भाई देखो अकेले चिल्ला दे मैडम जी
हाँ कौन? मैं पीके सेठ मैडम। आई यहाँ पे पीके सेठ। नमस्ते। अच्छा आप लोग हो क्या? हाँ चलो आई लगू मैडम। आई 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 चलना। हाँ बैठ जाइए। यहाँ बैठ जाइए मैडम। हाँ बैठ जाइए मैडम। हम 2 मिनट में आ रहे हैं। जी 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 मैडम जी हम भी आए। नहीं नहीं जी बैठिए। क्या पढ़ लग हरा समार वाला आया है तो तेरे को हरा समार लेना है क्या? क्या ये देख रिमोट रिमोट है बे। देख मैडम जी अपने को ये और पढ़ा लाइट जलती लाइट कहाँ है? अबे नहीं जलती अबे पिंटा देख ये चोट्टा कहीं का वहीं रह मार खिलाएगा क्या भाई? मैडम जी को मोबाइल है बे मेरे मोबाइल से बड़ा मोबाइल तो नियत खराब है तेरी साले। पिया बाजा बक्सा लगा लगा चालू कर देख मैं मोबाइल से बजाता हूँ अभी जल्दी कर चालू कैसे होगा भाई? चल ये बटन उठो वहाँ से उठो जल्दी उठो जल्दी ओह नो अभी देखना नाचते हैं अपन। अबे पिया देख अभी तक मैडम जाएगी नहीं तू ही पिया पिया गुड़िया भाई। हाँ भाई हाँ अबे इसकी आग भी हिलती देखा ना अबे टीली लीली होती देख। हाँ मैडम क्या हो रहा है ये? पढ़ने आए या देखने तमाशे करने आए हो? मेरा घर बिना परमिशन के छूना नहीं कोई चीज आए समझ में? हाँ पढ़ने आए आप लोग ना? जी मैडम ठीक है बोला था मत पकड़। हाँ सब चीज लेकर आए हो कापी पुस्तक? जी नहीं मैडम जी काका मग्गू और बुरी घर पे कापी पुस्तक नोटबुक आए समझ में? नोटबुक मतलब जिसपे हम नोट करते हैं कॉपी। हे भगवान नोटबुक मतलब कॉपी कॉपी है ना जिसपे हम नोट करते हैं। लाए मैडम लाए लिखाई करते हैं ला लिए ना पहाड़ी पुस्तक भी लाए। और ये क्या है? ये पानी की बोतल मैडम। पानी की बोतल सिर्फ पानी की बोतल दिखाने के लिए लाते हो? मैडम जी पूरा फूल भर के लाया था ये बेटा बोधा जैसे पानी पीता है जी। बोधा बाल्टी में पानी पीते हैं? अरे नहीं लेकिन मैडम जी हमारे यहाँ का बोधा ना बॉटल में पी लेता है। देव क्या भी तेरे को गलत बात है ना? हाँ मैडम जी कुछ मम्मी पापा ने मैनर सिखाए हैं क्या? नहीं नहीं सिखाए हमारे मम्मी पापा ही नहीं हमारे तो मेरे तो भाई बाबू है जिसमें से भाई तो चली गई तो बाबू ने तो सिखाए होंगे। बाबू को खुद कुछ नहीं आता मैडम जी। अच्छा ये बताओ तुम यहाँ आए क्यों हो ये बताओ पहले? पढ़ने के लिए मैडम जी और मैं तो पतिदेव बनने के लिए आया हूँ। पतिदेव बनने के लिए? यहाँ किसके पतिदेव बनोगे? यहाँ तो कोई नहीं लड़कियाँ। मैडम जी डिंकी के पतिदेव। डिंकी का पतिदेव? डिंकी के पतिदेव बनने के लिए यहाँ आए हो जी? उन्हें मेरे को बोली है कि अच्छे से पढ़ेगा लिखेगा तू मेरे जैसे इंग्लिश बोलेगा तो मैं तेरे से शादी कर लूंगी ऐसा बोली है। तो मेरे को किसी ने बताया कि आप बड़ा अच्छा पढ़ाते हो तो मैं आपके पास आया और इसके चक्कर में आया हूँ मैडम जबरदस्ती। तो बचपन में कुछ पढ़े हो क्या? नहीं। हाँ कुछ नहीं मैंने इतनी तक पढ़ा मैडम जी। उतनी कितना होता है बताइए? एक दो तीसरी तक पढ़ा मैडम। तीसरी तक पढ़े और तुमने? दोपहर तक पढ़ा मैडम। दोपहर तक? अच्छा मैं आपका नाम भूल गई थी एक बार नाम बताइए क्या क्या है? तो मेरा नाम पिकिया सेठ 16 एकड़ जमीन। नाम पूछने बोली? हाँ मैडम जी पिकिया सेठ। पिकिया सेठ है ना? किसने पूछा 16 एकड़ जमीन? हमने पूछे नहीं। तो फिर हाल तू बात कर बिना परमिशन के और बिना कुछ क्वेश्चन किए कोई आंसर नहीं करोगे आया समझ में? ओह नो। हाँ चलो आपका नाम? पिंटिया मैडम। पिंकिया? पिंटिया। पिंटिया हाँ जी। अच्छा हाँ तो हमने जो जो बताया तो सब लेके आ गए ना? हाँ सब ला लीजिए। अच्छा खाली बॉटल रखे हो? इसको अलग रखो नीचे रखो नीचे रखो जी। अच्छा, मैडम पापा क्या नाम है आपके? मेरे पापा नहीं मेरे बाबू का नाम। हाँ बाबू का नहीं है। अच्छा पापा को ही बाबूजी बोलते हैं? ऐसा रहता है। हाँ तो हमारे पापा जी का नाम बनवारी सेठ और कभी कभी भूनलाल भी कह देता हूँ। और मम्मी का नाम? मम्मी का नाम क्या मालूम वो तो कब से मरी मैंने पूछा नहीं और किसी ने बताया भी नहीं। आपके पापा क्या नाम है? वही समझ लो मैडम जी बनवारी जी काका। समझ कैसा ले हम? अब वहीं रहता हूँ ना मैडम मैं। अच्छा उनके घर में रहते हो? साथ में रहते हो? अरे जी मेरा जिन्ना होकर। अरे अरे ऐसा नहीं बोलते दोस्त हैं। मैडम चलो क्या चीज पढ़ेंगे अपन तो अपन को? अच्छा तो पहले तो अभी काफी पुस्तक से थोड़ा सा हटके पूछ लेते हैं कुछ जी। देख लेते हैं तुमको नॉलेज है क्या नहीं।
है? क्या है नॉलेज? मतलब थोड़ा ज्ञान है क्या? नहीं हाँ हाँ ज्ञान हाँ। अच्छा, तो इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं बनती तुम लोगों से? नहीं बनती है ना मैडम इंग्लिश। वैसी वाली नहीं पूरी है। इंग्लिश मतलब सिर्फ इंग्लिश? हाँ। अच्छा इंग्लिश की स्पेलिंग बताओ तो फिर। इंग्लिश हे भगवान, कहाँ के पल्ले पड़ गए पता नहीं ऐसे स्टूडेंट। अब मुझे पूरा स्टार्टिंग से सिखाना पड़ेगा। हाँ मैडम सिखाओ। स्टार्टिंग मतलब समझे हैं? और गाड़ी स्टार्ट करते शुरू से पढ़ाना पड़ेगा। हाँ तो पढ़ाओ। ऐसे बचपन से पढ़ाते हैं वैसे, है ना? हाँ पढ़ाओ पढ़ाओ। चलिए ठीक है पढ़ा लूंगा। अब ये बताओ एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 8 दिन होते हैं क्या? अभी क्या 7 दिन होते हैं। ये चालू करा था मैडम, बंद करना भूल गया लगता है। कुछ भी करता खुद ने किया था ना। अब दोबारा आओगे? पहला दिन था उस दिन कुछ नहीं की थी हमने, उसी दिन बोल दिए थे तुम लोगों को, है ना, कि हमारी बिना परमिशन के हमारे घर में कोई सामान नहीं छूता है। आए समझ में? तो 500 रुपए भी जो दिए मैडम, तो 500 रुपए दिए तुमने पढ़ने के दिए हो ना। खरीद लिया क्या सामान? रे क्या सामान छूने का दिए हो? मैडम जी आप पढ़ाओ। हाँ तो हमने कुछ क्वेश्चन किए आपसे? नहीं किए। 7 दिन होते हैं मैडम जी। 7 दिन होते हैं जी। अच्छा एक महीने में कितने दिन होते हैं? एक महीने में ये महीना एक महीने में 7 दिन होते हैं। अच्छा गिनती करो। अच्छा एक महीने कितने तारीख का होता है पूरा? मैडम जी पूरा महीना तो हमको जीने दो तब बताएंगे। क्यों यार? हाँ जी अभी हम तो हफ्ता भर में तो, अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी उम्र कितनी हो गई? मैं 24 का हो गया जी। हाँ तो एक इसमें महीने नहीं जिए तुमने? क्या मालूम? क्या मालूम जी, मैं वही से चला रहा था, मेरे को नहीं मालूम। हाँ हाँ हे भगवान, इनको दिनों की संख्या नहीं पता, महीनों की नहीं पता। एक महीने की 28 तारीख भी होती है, 29 तारीख भी होती है, 30 तारीख भी होती है। अच्छा दिनों की संख्या 7 है, दिनों के नाम याद है? नहीं मैडम मेरे को वो याद है, मतलब साल एक साल में 12 महीने होते हैं, हमारे बाबू ने बताया। हाँ। 12 महीने 12 काल ही हिलाते रहता है वो दिन रात से, तो वो याद है मेरे को। तो चलो एक साल में 12 महीने होते हैं, है ना जी। तो महीनों की याद है जी, मतलब महीनों की पूरी जी? मेरे को नहीं है मैडम, इसको है। हाँ। अच्छा बताओ तो तुम साथ में रहते थोड़ा थोड़ा बता दिया करो। मैं आपको बताऊं बोल के? हाँ तो तुम्हारा, अच्छा एक मिनट, तुम्हारा पढ़ने का मतलब क्या है? मेरा पढ़ने का मतलब दिन की शादी हो जाए बस। और तुम्हारा? मेरे को क्या मालूम मैडम, इसने बोला तो आया हूँ। थोड़ा सा पढ़ लिख के थोड़ा सा ज्ञान हो जाएगा ना। तो ज्ञान करके क्या करूंगा मैडम, चराना तो भाई दीजिए मेरे को। अरे लेकिन थोड़ा दिमाग तो रहेगा तो भाई सी कैसे चराना, ये भी दिमाग थोड़ा सा आ जाएगा। भैया दिमाग है मेरे में क्यों क्या? हाँ जी वो भाई चीज का दिमाग हो जाता है पूरा। मैडम जी मेरे 12 महीने के नाम याद करके आया हूँ, आप सुन तो लो पहले। हाँ चलो बताइए। जनवरी सही है ना? हाँ। जनवरी फरवरी मार्च सोमवार मंगलवार अक्टूबर एक मिनट नवंबर गुरुवार दिसंबर। ये क्या है? ये पूरे साल भर में जितने महीने होते हैं साल भर के महीनों के नाम है। तो तुमने बीच में क्या डाले हो? कुछ नहीं डाले। बीच में दिनों के नाम आए हैं, अच्छे से याद करो। क्या मालूम मैडम जी, बीच में तुमने दिनों के नाम भी लिए हो? पता नहीं ना मैडम इतना जाता है। तो अच्छा सप्ताह के दिनों के नाम बताओ तो फिर। सप्ताह के दिनों के नाम मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर और नवंबर। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। 7 ये तो बता दिए थे। हाँ। अब सप्ताह में दिनों के नाम बताओ। जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये दिनों के नाम है, ये तो महीने के नाम है। तुमको थोड़ा बहुत पता है? हाँ कुछ नहीं मालूम। कुछ नहीं तो मतलब कि इतने बड़े होगा सिर्फ खा रहे हो और काम करो भैंसी चरा रहे, बस यही जिंदगी है। हमारा काका बोलता है खाओ ना खालिस्तान करो। तो भी क्या, खाओ काम करो बस, खाओ काम करो, खाओ काम करो बस बस। तो काका के पास इतनी दौलत है, थोड़ा सा पढ़ा लिखाना चाहिए ना। कंजड़े बटा। हाँ जी तो ये मैडम जी कैसा करेंगे जब अपनी शादी हो जाएगी? मेरे को पति देव बना दो बस, हो गया मैडम जी। तो पति देव पहले अच्छा पढ़ोगे लिखोगे तब तो पति देव बनोगे। पढ़ाओ मैडम जी। हाँ। क्या लिखूं बताओ मैडम जी, बताओ। तो अभी आपको लिखते बन जाएगा? कहाँ क्या लिखूंगा तो मैं पति देव बन जाऊंगा, पहले कुछ समझ लो। हाँ बताओ। है ना ये बताओ पहले दिनों के नाम।
नहीं पता, आप बताओ ना कौन सा पढ़ना है कैसा करना है, हम घर जाके ये तो अभी तो इसका तुम कुछ नहीं पता। नहीं मैडम जी, अभी तो पहले एबीसीडी पढ़ोगे। ओह नो जी, अनाराम पढ़ोगे। अच्छा मैडम जी, हमारे घर में बड़ा क्या चीज तो है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंफ्यूजन क्या तो कहते हैं, बाबू कह रहा था तो एबीसीडी में सब कहते हैं मैडम जी 26 अक्षर होते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ चार होते हैं। एबीसीडी में 26 अक्षर होते हैं? नहीं ना मैडम जी, चार होते हैं ना मैडम जी। मैडम को भी दिमाग नहीं है। हाँ, मैडम को दिमाग नहीं है, ऐसा लगता है आपको भी पढ़ने की जरूरत है। क्योंकि ज्यादा समझ में आ रहा है, पढ़ने क्यों आए हो? तो फिर जितना बोला जा रहा है उसी को पढ़ो, उसी को याद करो, और जितना बताया जा रहा है उसको समझो बस। ए बी सी डी चार ही तो। चलो ए बी सी डी की तुमने पुस्तक लेके आए हो? ये कभी खोल कर देखे हो? हाँ हाँ देखा तो मैंने। हाँ ये खोल कर देखने से कुछ नहीं होता, थोड़ा सा उसको देखना पड़ता है। चलो तुम गिनती तो बनती थोड़ी बहुत ना, तीसरी तक पढ़े हो तो। हाँ हाँ, या ए बी सी डी कहाँ पे देखो, ढूंढो यहाँ। चलो आप ही बताओ ए बी सी डी कहाँ पे है। पीकिया तू देखना, ये है ए बी सी डी। और होगी मैडम जी, अच्छे इतने बड़े बड़े अक्षर में थी अभी देखा, उतने बड़े अक्षर में जी देखो जी। चलो बताओ इस पे पूरा गिनो ए बी सी डी कहाँ तक होता है। तो ए बी सी डी चार हुए मैडम। चार, और बाकी का कौन पढ़ेगा? तुम्हारे दादा? नहीं दादा हा? नहीं, दादा मर गया। नहीं तो उनको बुला लो ना पढ़ने के लिए। पिक्या यहाँ से पढ़ो पूरा नीचे तक। ए बी सी डी ई एफ जी घोड़ा भाई घोड़ा 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 मैडम घोड़ा मैडम। ठीक, जितना बोला गया है उतना काम कीजिए, आए समझ में? I J K L शेर बे क्या M N O P Q R S T U V अबे कार। हाँ कार में बैठो और निकालो पतली गली यहाँ से, हमने पढ़ाएंगे आपको। W X Y Z हो गई। हाँ मतलब एबीसीडी तो बनती है ना आपको ना जी, देख देख के पढ़ लेता मैडम, देख देख के पढ़ लेते हैं। हाँ तो आप तुमको आज होमवर्क दिया जाएगा कि बिना देखे लिखने का सीखना और पढ़ने का भी। क्या होमवर्क? मतलब घर का वर्क, घर का काम, घर का कार्य, गृह कार्य। आए समझ, गृह कार्य का मतलब ये होता है कि अगर हम ट्यूशन जा रहे हैं या स्कूल जा रहे हैं तो हमको गृह कार्य दिया जाता है, मतलब तुम घर से ये काम करके आओगे और कल स्कूल में जमा करोगे, चेक करवाओगे। पर मैडम जी आप कह रहे हो बिना देखे करेंगे तो कैसे, ऐसे तो दिखने का नहीं मैडम। हाँ। हे भगवान, कहाँ की ऐसे बच्चे पल्ले पड़ गए, मेरे समझ में नहीं आ रहा है, परेशान हो जाऊंगी तुम लोगों के मारे। हमारे बाबू के बच्चे मैडम जी। हाँ। हाँ। तो बाबू के बच्चे थोड़ा सा मैनर सीख लो। एक मिनट, किसका फोन आया? हेलो, हाँ मारा भाटा। ये कौन है मारा भाटा? मैडम दोस्त है, दोस्त है मैडम। एक मिनट, सच में कब देखा तूने? हाँ हाँ हाँ, मैं अब भी आता हूँ। क्यों कहाँ जा रहे हो क्लास छोड़ के? चल ठीक ठीक, तुम जा कहाँ रहे हो क्लास छोड़ के बताइए। हम अब भी आते हैं, मैं जिसके लिए पढ़ रहा हूँ ना वो घर से निकली है और वो पता नहीं कहाँ है, जिसके लिए पढ़ रहा हूँ वो इच नहीं रहेगी तो क्या करूंगा। हाँ गूंगा ही बोलते हैं वो। अरे वो कहीं पढ़ने वाने गई है, कॉलेज गई होगी? नहीं मैडम जी, शनि मंदिर तरफ गई है, अभी मेरे को बारह फटना होता है। अपन तो शनि मंदिर गई हुई होगी, कॉलेज तरफ गई है, कहीं गई होगी पूजा करने गई होगी शनि मंदिर। मैडम जी तो मैडम कल आते हैं मैडम, मेरा कॉलेज फट जाएगा मैडम जी। हां मैडम, और ये मैडम जी यहीं पर रख देते हैं, कल आके पढ़ लेंगे। हां मैडम। नमस्ते मैडम। ठीक है ठीक है, जाइए चलना रे।